So I think one thing we all try to do is to have regular conversations with our clients. I mean, actually हफ्ते में तो एक बार weekly at least हम लोग साथ में बैठते हैं, हम लोग बातें करें, उनको जो feedback देना है वो हम दे पाए, हम हमें जो उनसे सवाल पूछने हैं हम पूछ पाए. और पर्सनली भी वन ऑन वन पे हम लोग फोकस करते हैं कि अगर कोई डाउट है बच्चे का तो वो स्पेस ऐसा रहे कि बच्चा आके वो सवाल पूछ पाए. अगर बच्चा नहीं पूछ पा रहा है तो कुछ रेगुलर इंटरवल्स में मैं जाके किसी तरह से उस तरह का कॉन्वर्जेशन बच्चे के साथ कर पाऊँ. क्योंकि अगेन जब हम बात कर पाएंगे, हम बात करने का समय निकालेंगे तो ही ये सब बातें हो पाई. अगर सिर्फ ट्रेनिंग करने के बाद चलो भाई अब ट्रेनिंग हो गया और मैं अपने घर तू अपने घर और खत्म है ना, तो उतने से काम नहीं चलता है. तो इसी वजह से I would say कि रिलेशनशिप सिर्फ ग्राउंड तक नहीं रहता. सब बोलते हैं एवरीवन सेज इट कि ग्राउंड तक नहीं रहता, उससे बाहर का रिलेशनशिप वो ज्यादा जरूरी हो जाता है. मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है आपसे बात करके कि ऑफ द फील्ड ऑफ द पिच जो रिलेशनशिप से जो कन्वर्सेशन से दोज एक्चुअली प्रोबब्ली प्ले बिगर रोल इन यू नो इन मैक्सिमाइजिंग द आउटकम्स फॉर द चिल्ड्रन इन हेल्पिंग देम रियलाइज देयर ड्रीम्स जो ऑन द पिच नहीं मिलता है.